अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, वेरी वार्म वेलकम टू एम के एम चैनल। आज हम सिक्स लेसन पढ़ेंगे जो कि है कौमी त्यौहार। ठीक है जी, उर्दू का सिक्स लेसन है कौमी त्यौहार। दर्ज ज़ैल अल्फाज के मानी लिखें, कौमी मुल्की, और साथ ही जुमले जो हैं वो बना दिए हैं मैंने। 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन हमारा कौमी त्यौहार है। त्यौहार जश्न को कहा जाता है जी। 14 अगस्त को हम जश्न आज़ादी मनाते हैं। हसूल हासिल करना, मुसलमानों की अथक कोशिशों की वजह से पाकिस्तान का हसूल मुमकिन हुआ। जदोजहद कोशिश, मुसलमानों ने अलग वतन हासिल करने के लिए बहुत जदोजहद की। क़याम वजूद, कायदे आज़म की अजीम क़्यादत की वजह से पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। हिजरत, अल्लाह की राह में घर बार छोड़ देना, मुसलमानों ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। कठिन मुश्किल, हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत करते हुए मुसलमानों ने बहुत से कठिन मराहिल तय किए। दास्तान कहानी, पाकिस्तान के क्याम की दास्तान या कहानी जो है बड़ी दुख भरी है। चेहरा तमतमा उठना, खुशी के का चेहरे पे जाहिर होना। 14 अगस्त की तकरीबा शुरू होते ही पाकिस्तानियों के चेहरे खुशी से तमतमा उठते हैं। हस्बे के मुताबिक, मामूल के मुताबिक 14 अगस्त को इस्लामाबाद में हस्बे मामूल फौजी परेड की गई। खव्वे से खव्वा यानी टकराना, छिलना, खव्वे से खव्वा छिलना, कंधे से कंधा टकराना। 14 अगस्त की तैयारियों के सिलसिले में बाजार में लोगों का इस कदर हजूम था कि खव्वे से खव्वा छिलता था। अच्छा जी, हजूम रश, 14 अगस्त को मज़ारे का इकबाल पर बहुत हजूम था। शऊर अकल, पढ़ा लिखा इंसान अच्छे और बुरे का शऊर रखता है। शिकस्त फाश, दुश्मन का नामो निशान मिटा देना। 6 सितंबर को अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन मुल्क को शिकस्त फाश दी। ठीक है जी, इतना बुरी तरह से शिकस्त देना कि दोबारा हमले की जो है वो जरूरत बाकी ना रहे। अलहदा अलग, हमने इस्लाम के नाम पर अलहदा वतन हासिल किया। मकसद वजह, तहरीके पाकिस्तान का मकसद अलग वतन का हसूल था। नजराना कुर्बानी, पाकिस्तान की तरफ हिजरत के दौरान मुसलमानों ने लाखों जानों का नजराना पेश किया। फरामोश, भुला देना, क्या मैं पाकिस्तान की खातर दी जाने वाली कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मंजिल मकसद है, मुसलमानों की मंजिल पाकिस्तान का हसूल था। अहद दौर वादा, हम अहद करते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत फलाही रियासत बनाएंगे। फलाही भलाई का काम, ठीक है जी, फलाही काम भलाई का काम, हमें फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। गलत और दुरुस्त बयानात की निशानदेही करें। योम पाकिस्तान 23 मार्च को मनाया जाता है, दुरुस्त है। 6 सितंबर को योम आज़ादी मनाया जाता है, गलत है। 25 दिसंबर को कायद अजम का योम पैदाइश मनाया जाता है, दुरुस्त है। 9 नवंबर को योम इकबाल मनाया जाता है, दुरुस्त है। 14 अगस्त को योम दफा मनाया जाता है, ये गलत है। कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, मुसलमानों ने किससे आज़ादी हासिल की? अंग्रेज़ों से। हमारे कौमी शायर हैं अल्लामा इकबाल। हमारा मुल्क दुनिया के नक्शे पर 14 अगस्त 1947 को उभरा। आज़ादी क्या है? नेमत है। आज़ादी को बरकरार रखना मुश्किल है। दर्ज ज़ैल सवालात के जवाबात दें। त्यौहार किसे कहते हैं? किसी कौम की तारीख में पेश आने वाले अहम वाक़ियात को याद रखने के लिए जो दिन मनाए जाते हैं, इन दिनों को कौमी त्यौहार कहा जाता है। आप किस त्यौहार के आने पर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं? मैं 14 अगस्त को योम आज़ादी का त्यौहार आने पर सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ। और स्टूडेंट, हर स्टूडेंट अपनी जो है वो राय दे सकता है इसमें, पसंदीदा त्यौहार के बारे में। सब्ज़ लाली परचम और झंडियाँ किस त्यौहार में पर लहराई जाती हैं? सब्ज़ लाली परचम और झंडियाँ योम आज़ादी के मौका पर 14 अगस्त को लहराई जाती हैं। आप योम आज़ादी किस तरह मनाते हैं और इस दिन क्या ख़ास एहतमाम करते हैं? हम योम आज़ादी जोश व खरोश से मनाते हैं। इस दिन घर और गली को रंग बिरंगी झंडियों से सजाते हैं और सब्ज़ परचम को घर की छत पर लहराते हैं और टीवी पर इस्लामाबाद में होने वाली परचम कुशाई और पाक अफवाज की परेड को बराह रास्त देखते हैं। और क्या मैं पाकिस्तान के की जद्दोजहद के दौरान अजीम शहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं? योम आज़ादी का असल मकसद क्या होता है? योम आज़ादी का असल मकसद ये होता है कि हम ना सिर्फ अपने मुल्क के हसूल के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को याद रखें बल्कि आज़ादी को बरकरार रखने के लिए कोशां रहें। इसलिए हम ये अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान को एक मजबूत इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। तारीख पाकिस्तान में 23 मार्च 1940 की क्या अहमियत है? 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क
लाहौर में करारदादे पाकिस्तान पेश हुई थी। इस दिन की याद में योम पाकिस्तान का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है जी, करारदादे पाकिस्तान क्या थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये मुतालबा किया था कि हम अलहदा वतन हासिल करेंगे। योम दफा कब और क्यों मनाया जाता है? 6 सितंबर को योम दफा मनाया जाता है। ये दिन इस याद में मनाया जाता है कि पाकिस्तान ने भारत की फौज को 6 सितंबर 1965 की जंग में शिकस्त दी थी। 25 दिसंबर और 9 नवंबर की नजीम पाकिस्तानी रहनुमाओं से मंसूब किया जाता है। 25 दिसंबर जो है जी योम कायदे आजम के तौर पर मनाया जाता है। और नौ ये कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद अली जिना की का योम पैदाइश है। 9 नवंबर को योम इकबाल मनाया जाता है जो लामा मोहम्मद इकबाल का योम पैदाइश है। उसके बाद है पाकिस्तान के क्याम का जो है वो मकसद क्या है। पाकिस्तान के क्याम का असल मकसद एक इस्लामी फलाही रियासत की तश्कील था जहां हम इस्लामी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। मुसलमान ने हिंद ने इस मकसद को एक नारे में समेट दिया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसके साथ ही ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ये एक मुतालियाती जो है लेसन था, जस्ट रीडिंग के लिए आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, लेकिन मैंने इसकी एक्सरसाइज बना दी है। ठीक है जी, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर थे बुक में, लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज सारे शामिल कर दी है ताकि आप इस लेसन को ना सिर्फ रीड कर सको बल्कि अच्छे से समझ भी सको।